यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2, और इसके अंदर हम लोग करेंगे हेलीकॉप्टर एस्केप। तो बढ़ते हैं हम लोग गेम की जानिब और देखते हैं कि आज एस्केप हम कर पाते हैं या नहीं। चलते हैं गेम में। डे 1, सो डे 1 स्टार्ट हुआ और ये एक सुहानी सुबह, और ये हम लोग आए हैं ग्रैनी के घर के अंदर। वैसे तो ग्रैनी हमारे को ज़बरदस्ती लेकर आई है, आना तो नहीं चाहते थे, पर उसने हमारे को मार पीट के यहाँ पे कैद करा हुआ है। तो चलो यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर क्या है। खाली, और वहाँ से मेरे पीछे ग्रैंडपा आ गया। वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। चलो यहाँ से खोलते हैं इसको। ग्रैंडपा, चलो यहाँ से अब ये कैबिनेट चेक करते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर मैनुअल है, तो हेलीकॉप्टर मैनुअल को रख लेते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट तो हमारे को हेलीकॉप्टर इसके भी करना है ना, तो उसके लिए हमारे को हेलीकॉप्टर मैनुअल की तो ज़रूरत है। बाकी ग्रैंडपा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ ग्रैंडपा किधर चला गया। यहाँ से ग्रैनी नीचे गई है, एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैनी दोनों मेरे पीछे पड़ गए। तो मैं छुप जाता हूँ यहाँ पर। अब जो है ना, मेरे को बस क्या करना है कि देखना है कि कौन यहाँ पर निकलता है इस रास्ते से। तो वेट करते हैं। ग्रैनी तो ऊपर चली गई है। बहरहाल मुझे लगता है ग्रैंडपा यहाँ पर आएगा। वेट करते हैं। हाँ, ग्रैंडपा चला गया। देखो तो ग्रैंडपा किधर आएगा, देखते हैं ग्रैंडपा किधर जा रहा है। तो नीचे जा रहा है। चल ठीक है भाई, चला जा। ये जा रहा है भाई नीचे, हम लोग चलते हैं ऊपर। ऊपर होगी ग्रैनी। बस एक मसला रह जाएगा उसके बाद ग्रैनी को संभालने का। ग्रैंडपा तो अभी थोड़ी देर तक नीचे ही होगा। ग्रैनी ने यहाँ पर ट्रैप बिछाया हुआ था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ग्रैनी एरी आइटम गिराते हुए चलते हैं। आजा बेटा, इधर क्या है? स्टनगन। बढ़िया। आजा, ऊपर आ। ये ले, चल निकल यहाँ से। अब चलते हैं हम नीचे, पहले यहाँ के कैबिनेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। अब तक ग्रैंडपा भी आ रहा होगा तो देख लेंगे उसको भी। उससे सिक्योरिटी की चाहिए उसे, तो मेरे को सिक्योरिटी की। हम ग्रैंड पा तो नहीं रहा। आ गया, शिट। अबे शिट यार। डे 2, शिट यार। ग्रैंड पा को मारने के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर गया कि उसका रेंच मेरे तक पहुंच गया और उसने मेरे को मार दिया। खैर एक चीज़ अच्छी है कि स्टनगन यहीं पर ही पड़ी हुई है, उसको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बाकी स्टनगन उठाते हैं, और अब मैं नहीं छोड़ूंगा इस ग्रैंडपा को। इधर आइए। किधर है ये? हाँ भाई, कहाँ है ये रहा? चल निकल यहाँ से। अबे एमओ दे दे पागल, ग्रैनी आ जाएगी। चलो एमओ से मिल गई मेरे को। अब यहाँ से जो है ना ग्रैनी आ रही होगी, उसको बजानी है भाई। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो चलो भाई, ग्रैंडपा से लेते हैं सिक्योरिटी की, इसको सीधा करते हैं भाई। अबे सीधा हो जा। तो भाई ग्रैंडपा तो सीधा हो गया, उसने दे दी सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की को जाके लगाते हैं और देखते हैं कि जो है ना क्या है सिक्योरिटी रूम के अंदर। बोर्ड की फालतू, तो फालतू चीज़ फिर से मिल गई मेरे को। चलो यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या है। ग्लास फ्यूज़ की मेरे को ज़रूरत है। ग्लास फ्यूज़ उठा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर पड़ा हुआ है रेंच। एंड रॉड्स में क्या है? वेपन की। तो वेपन भी निकाल ही लेते हैं अपने लगे हाथ। बाकी यहाँ पर तो कुछ नीड का नहीं है, तो वेपन लेने चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर स्पार्क प्लग पड़ा हुआ है, चलो वेपन लेते हैं भाई यहाँ से। ये लो खोला, एंड ये निकालते हैं अपना वेपन।
एमो लोड कर दिए, अब बाहर निकलते हैं। एंड पहले तो ऊपर जाता हूँ, ये स्टनगन मेरी यहाँ पड़ी है, इससे भी मेरे को काम है। इसको मुझे जो है ना सिक्योरिटी रूम के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ऊपर जो वो दरवाज़ा होता है ना जेल का, जिसको उससे खोलना होता है बटन से, बटन पे गोली मार के वो खोलना है। यहाँ पे डोर हैंडल पड़ा है, मतलब यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इन अलमारियों में क्या है, खाली खाली खाली, ये भी खाली। इसमें क्रोबार पड़ा हुआ है, तो एक तो यहाँ से खोलते हैं भाई। डब्बा जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है कि दरिया, ये रहा, इस डब्बे को खोलते हैं। गैसोलीन कैन, इसकी तो ज़रूरत है मेरे को यहाँ पर, ये इसको यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत है वो है, मतलब वो मुझे पता नहीं है, नीचे चल के देखना पड़ेगा कि आखिरकार है क्या दूसरे वाले डब्बे के अंदर। तो चलते हैं नीचे भाई, और चैना अब खोलते हैं इस बॉक्स को। कटिंग प्लायर्स, कटिंग प्लायर्स की भी नहीं थी, क्योंकि ऊपर जो वो जिस जेल वाले रूम में जाना होता है उधर ही जाना है, कटिंग भी करना होता है चीज़ को। पर उससे पहले ग्रैनी एंड ग्रैंडपा, ये घूमने ग्रैंडपा ने मेरे को देख लिया। ऊपर चलते हैं, इसको जो है ना ऊपर ही ड्रॉप करूँगा, यहाँ अंदर यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। और जो है ना अब चलता हूँ मैं यहाँ रूम में, यहाँ पे मैं गिराता हूँ आइटम, बल्कि आइटम तो गिरा ही चुका हूँ पीछे, तो वो दोनों ऊपर आ रहे होंगे। जैसे ही वो दोनों ऊपर आएंगे मैं नीचे जम मार दूँगा। चलो सही है, अब उठाते हैं उन्हें। शॉटगन किधर गई, शॉटगन ये रही, आ जाओ बेटा, कहाँ हो? चल भाई इसको तो मारते हैं पहले, एंगल में आ जाए, आ जाना, आ जा 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 जा, ये चल निकल। ग्रैनी का भी यहीं पर ही वेट करते हैं, वो भी ऊपर ही है, आ रही होगी अभी, आ जा जा जा, दो तीन दफ़ा इधर ड्रॉप भी कर देते हैं आइटम को। ये ड्रॉप करा, एंड ग्रैनी अभी तक तो नहीं आई, एक और दफ़ा ड्रॉप करते हैं। आ जा यार, आ गई, चल मुझे मारेगी। वह रास्ते में क्यों अटक गई, हाँ ठीक है। अबे ट्रैप भी बिछाया हुआ है, पता नहीं क्या मसल है इसको। तो अब इसको अंदर ड्रॉप करते हैं, पहले तो इसको ऊपर डाल देते हैं चल के, सही है। अब जो है ना यहाँ से उठाते हैं गैसोलीन कैन, या स्टनगन पहले डाल लेता हूँ। सारी गन्स ऊपर होनी चाहिए ना, क्योंकि जब मैं ऊपर से मारूंगा ग्रैनी को तो फिर मेरे पास गन तो होनी चाहिए। जंप करते हैं फिर से नीचे, गैसोलीन कैन उठा लेते हैं। अब इसको भी चल के ऊपर ड्रॉप करते हैं। अब जंप करते हैं वापस से नीचे, और अब जो है ना मेरे पास दो ही चीज़ें रह गई हैं, एक तो ये है कटिंग वो ग्लास यूज, और एक है शायद कटिंग प्लायर्स। तो अभी चलते हैं ऊपर, इसको ड्रॉप करते हैं एंड चलते हैं। हैं हैं क्यों, पता नहीं यार क्या हुआ, और मेरा तीसरा दिन स्टार्ट हो गया, पर मैं तो यार बहुत देर से कर रहा था वो, पता नहीं गाइस क्या हुआ यार, पता नहीं, वो ऊंचाई से गिरा अचानक से एंड वो पैरालाइज हो गया, गिर के मर गया। चलो खैर, अब जो है ना यहाँ से मैं अपना क्रोबार उठा लेता हूँ, अच्छी बात है यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब जो है ना इसको ऊपर चल के ड्रॉप करूँगा, ताकि ग्रैनी नीचे आ जाए, क्योंकि मेरे दोनों गन्स तो ऊपर ही पड़ी हुई हैं, तो उनके बिना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा गेम। बाकी ग्रैंडपा को देख लूँ, ग्रैंडपा तो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहा है, चला जा चला जा चला जा, मैं ना दिख जाऊँ बस, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये बढ़िया हो गया, ग्रैंडपा चला गया है नीचे। अब ग्रैनी को जो है ना इस साइड पे बुलाता हूँ ड्रॉप करके आइटम को। अबे नहीं यार, आवाज़ ही नहीं हुई, क्योंकि कारपेट पे गिरा था तो इसलिए आवाज़ नहीं हुई थी,
पर अब मैंने ड्रॉप करा है एंड आई थिंक सब ग्रैनी साइड पर आ रही होगी। आ रही है क्या? अबे नहीं आई। शिट यार, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मेरे पीछे पड़ गई ग्रैनी। चलो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। बस अब मेरे को उठाना है अपने कटिंग प्लायर्स एंड उसको लेके चलना है ऊपर। किधर है कटिंग प्लायर? कटिंग प्लायर तो उठा लूँ अपना, ये रहा कटिंग प्लायर। और अब चलते हैं ऊपर एंड जो है ना ये जो आइटम्स हैं इनको प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले शनगन उठाते हैं और यहाँ की इसको खोलते हैं एरिया को। ये खोल दिया मैंने, इसको करते हैं यहाँ पे ड्रॉप शनगन को। अब लेकर आते हैं कटिंग प्लायर्स। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इन ड्रॉर्स में तो कुछ नहीं है, है ना? हाँ कुछ भी नहीं है भाई, इन ड्रॉर्स में खाली पड़ी हैं। अब देखते हैं इधर ऊपर क्या है। खड़ा हो जाते हैं, अभी क्या हो गया? कट का साइन क्यों नहीं आ रहा? इतना छिपकने के बाद कट का साइन आया जिसकी वजह से ये बाहर ही नहीं निकला। निकलना भाई, ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे देखना है अंदर आइटम क्या पड़ा हुआ है। और डिस्पॉन हो रहा है, डिस्पॉन हो रहा है। ठीक है, इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। सेफ की, अब इतना नीचे जाना पड़ेगा और सेफ खोल के चेक करना पड़ेगा उसके अंदर क्या है। बाकी आइटम तो यहाँ पे लगाने के हैं ही नहीं। हैंड व्हील की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डोर स्केप नहीं, वो हेलीकॉप्टर स्केप कर रहा हूँ। तो अभी तो इसको ड्रॉप करते हैं। ग्रैनी आजा, एक ही उसमें आ जाए भाई, पता चले फिर। एक मैंने हैंड व्हील भी गिरा दिया है। अब तो शनगन के अंदर एमओ भरते हैं यहाँ से। ये एक, ये दो, चलो एमओ भर चुकी है। अब जो है ना ग्रैनी का वेट करते हैं, वरना सेफ की भी ला के ड्रॉप करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। ये री सेफ की, इसको भी ड्रॉप करते हैं नीचे क्योंकि ये तीनों आइटम मेरे को नीचे ही चाहिए थे। दो आइटम मिल के, एक तो वही थी वेंट। शायद अब ग्रैनी आ रही है, आ जाए यार। अभी नीचे जाके सेफ खोलना है। एंड भाई पता नहीं, ये तो आने का नाम नहीं ले रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं नीचे जंप कर दूँ, पर ये है ख़तरा कि अचानक से आ गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए रुका हुआ हूँ अभी तक। खैर ये आया तो री नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ग्रैंडपा को मार दूँ, वो भी नहीं आया है। बस भाई मैं नीचे जंप कर रहा हूँ, नहीं मैंने नीचे जंप कर दी यहाँ पर। अबे अब आ गई, पहले आ जाती यार, इतना टाइम क्यों बर्बाद करा। चल यहाँ से निकल निकल, बोला अपने शौहर को ना है तेरा पति। पता नहीं भाई ये तो आ नहीं रही, वो आ नहीं रहा है। ग्रैंडपा भी क्या मसला कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक भी नहीं आ रहा था पहले, अब ग्रैनी आ गई तो ग्रैंडपा नहीं आ रहा। आ जा यार, मेरे को वहीं जाना है उस साइड पे। ये जाएगा तो फिर मैं उसको मार के निकलूँगा। चल निकल, उठाते हैं सेफ की यहाँ से, ड्रॉप करते हैं इसको। एंड ये दोनों रास्ते हैं पड़े हुए, इनको तो हटाना पड़ेगा। अभी बहुत गलतियाँ हो चुकी हैं भाई मेरे से, मेरे को अब कोई गलती नहीं करनी है, सीधा सीधा स्केप करना है। इधर क्या है? पैडलॉक की फालतू, इस ड्रॉअर में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। ऊपर चलते हैं, ऊपर से अपनी शॉटगन लेकर आते हैं और रेंच भी लेकर आते हैं, वो काम कर लेंगे क्या कहते हैं स्पाइडर वाला। ये रही शॉटगन, शॉटगन उठा ली है, अब इसमें एमो लोड करनी है। पहले यहाँ से रेंच उठाते हैं एंड रेंच को यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, गया। अब शॉटगन के अंदर एमो भरते हैं, एक एंड दो। बाकी डॉट्स तो मैं शायद पहले भी चेक कर चुका था, खाली ही हैं। तो अब यहाँ भी जंप मारते हैं, पहले तो मारते हैं भाई स्पाइडर को जो बहुत ज़्यादा भाई पंगे कर रहा था। इधर गया, गेरा चल।
स्पाइडर को मैंने मार दिया है। अब जो है ना उठाता हूँ रेंच एंड रेंच से जो है ना वो जो नट बोल्ट खोलना होता है उसे खोल देता हूँ। क्राउच एंड नट बोल्ट खुल गया। ड्रॉप करते हैं इस आइटम को, मुझे लग रहा है अब ग्रैनी आने वाली है, तो ग्रैनी को मारने के लिए मेरे पास एमओ भी होनी चाहिए। पहले अपना एक काम करता हूँ, इसको पीस ऑफ पेंटिंग को यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं और अंदर चेक कर कर आते हैं क्या है। हेलीकॉप्टर की ये भी अच्छी एक आइटम मिल गया भाई मेरे को, यही दोनों चीज़ें चाहिए थी। अब बस जो है ना मेरे को उठानी है अपनी शॉटगन और इंतज़ार करना है ग्रैनी का, क्योंकि वो किसी ना किसी वक्त भी आ सकती है। बाकी मैं अभी एमओ भी उठानी है मेरे को, यहाँ पर तो कुछ नहीं है क्लॉक के अंदर। यहाँ से उठाते हैं एक एमओ, अब नहीं बचेगा जो भी आएगा बस। तो ग्रैनी शायद मेरे ख्याल से आई है या नहीं, ग्रैनी तो आई नहीं, ना ही ग्रैंडपा आया। चलो ग्रैनी आ गई, ग्रैनी येरा 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 चल निकल। अब ग्रैंडपा देखते हैं किधर है। ग्रैंडपा भी आ रहा है शायद, नहीं आ ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या सीन है। बस मैं यहाँ पे छुप के खड़ा हूँ। नहीं नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है भाई। अब चलते हैं भाई ऊपर, इसको छोड़ो यहीं पर ही। और वहाँ से एक हेलीकॉप्टर की और एक जो है ना पीस ऑफ पेंटिंग मेरे को ऊपर लेके जाना है। हेलीकॉप्टर की और पीस ऑफ पेंटिंग भी उठानी है तीन, एक तो मुझे नीचे मिल गई है और एक जो है ना इस रूम में पड़ी थी शायद, नहीं ये टेबल पर पड़ी थी। ये दो पीस ऑफ पेंटिंग हो गई, तीसरी पीस ऑफ पेंटिंग मुझे याद नहीं आ रहा था किधर थी। इसको तो मैं अंदर ड्रॉप कर लेता हूँ, बाकी दूसरी पीस ऑफ पेंटिंग भी मेरे को ढूंढ के लानी है। अरे ये रही दूसरी पीस ऑफ पेंटिंग, ये रही और तीसरी नीचे पड़ी हुई है। चलो भाई बढ़िया हो गया, तीनों पीस ऑफ पेंटिंग मिल चुकी हैं, तकरीबन सारे आइटम्स ही मिल चुके हैं। और अब जो है ना बस एक पीस ऑफ पेंटिंग, वो एक डक्टिव चाहिए मेरे को, उसके बाद स्केप कंप्लीट है। तो चलो अभी तीसरी पीस ऑफ पेंटिंग उठाते हैं। ये पीस ऑफ पेंटिंग मैंने उठा ली, इसको लेके चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। इसको लेकर आ गया हूँ भाई, इसको लेकर ऊपर चलता हूँ और ऊपर ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप कर दिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा भाई। पहले तीन पीस ऑफ पेंटिंग उठा के रख दूँगा, उनको लगाने के बाद फिर आऊँगा वापस से जंप करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा जंप एक साथ करने से जो है ना बंदा मर जाता है। तो इसको ड्रॉप करते हैं, बल्कि इसको प्लेस ही कर कर आ जाते हैं, इससे थोड़ी सी एनर्जी बिल्डअप हो जाएगी वापस से जंप करने के लिए। ये दोनों पीस ऑफ पेंटिंग लगा देता हूँ एंड तीसरी को उठा के लेकर आते हैं हम नीचे से। ये जंप, चलो हो गया भाई। अब तीसरी पीस ऑफ पेंटिंग उठाते हैं अपनी एंड इसको जो है ना लगा कर आ जाते हैं। उसके बाद फिर मेरे को ग्लास यूज लगाना है एंड आगे का काम गेम तो शॉटगन का ही है। नहीं इसके बाद मेरे को शॉटगन की नीड है, तो शॉटगन लेकर आनी पड़ेगी नीचे से। जम कर भाई, अब उठाते हैं हमने शॉटगन एंड इसको लेके चलते हैं ऊपर। इसके अंदर एमओ भी यहीं से मिल जाएगी भाई, ये रही यहाँ से एमओ बढ़ते हैं एंड अब जो है ना ये आ जा एम पर आएगा। शिट एमओ भर देता हूँ यहाँ पे भाई, लाइन लगा देता हूँ ताकि मेरे को मसला ना हो बाद में।
एंड ये एक तो जाएगा अभी, एक जाएगा चल गया, दूसरा भी जाने वाला था, पर पहले एमओ ले लेता हूँ। दूसरे को उड़ाते हैं, दूसरा 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 गया, एमओ निकालते हैं भाई वापस से। एंड ये इसको भी मारते हैं भाई। अबे शिट यार, शूट नहीं करा, शॉटगन तो लोडेड है। अबे शिट यार, दो दफ़ा मिस कर दिया, बस इस दफ़ा नहीं आएगा मिस। ये अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं। बस इस दफ़ा गया यार, लेट मार रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। अबे शिट भाई, अब देखना, तो मजाक कर रहा था इतनी देर से, तो अब देखना, अब देखना, अब देखना। ये गया, देखा भाई, तुम लोग मजाक नहीं समझते हो भाई का, मजाक कर रहा था भाई। आता है मेरे को खेलना, और यहाँ पर वो है ट्रैप, तो इधर तो मेरे को जाना नहीं है। अब मैं उठा के लेकर आता हूँ ग्लास फ्यूज़। एक काम करें, इसके ऊपर कुछ ड्रॉप करके देखते हैं, देखते हैं गिरता भी है नहीं, मतलब वो ज़मीन हिलती भी है नहीं। चलें देखते हैं भाई, चलो 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 चलो, ड्रॉप करता हूँ। नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ खास तो नहीं हुआ। अब इधर से उठाते हैं ग्लास फ्यूज़। ये ग्लास फ्यूज उठाया, अब इसको लगाते हैं वहाँ पर, उसके बाद लेकर आते हैं गैसोलीन कैन। और गैसोलीन कैन से भरते हैं इसके अंदर गैसोलीन। उठा भाई चलो। उसके बाद मेरे को क्या लेकर आना है, मेरे को जो है ना डक्ट टेप चाहिए, एंड जो है ना मेरे को वो हेलीकॉप्टर की चाहिए, स्केप कंप्लीट है बिल्कुल। तो चलो यहाँ से पेट्रोल भरते हैं, बार बार हट रहा है पता नहीं क्या मसला है। चलो पैर में जो है ना भरते हैं इसके अंदर पेट्रोल, इसके अंदर पेट्रोल भरता हूँ, उसके बाद बाकी काम सोचते हैं क्या करना है। ये भर गया पेट्रोल, ड्रॉप करते हैं इधर आइटम को, और जो है ना अभी चलते हैं नीचे वापस से। यहाँ से जो है ना इस आइटम का एक काम करते हैं, यूज़ ही कर लेते हैं। नीचे ग्रैनी को बुलाना है ना, उसके लिए क्या कहते हैं ग्रैनी को आवाज़ देके बुलाना है, तो ये गैसोलीन का डब्बा फेंक दूँगा, उसकी आवाज़ से ग्रैनी आएगी, फिर उसको मार देंगे। चलो चलो आराम से चलते हैं, यहाँ पे पहले शॉटगन गिराते हैं, अब लेकर आते हैं गैसोलीन कैन। कहाँ चला गया भाई ये रहा, गैसोलीन कैन भरते हैं भाई, भरते गए, फेंकते हैं भाई गैसोलीन कैन को। ये मैंने ड्रॉप कर दिया, अब बस गन लेके खड़ा हो जाता हूँ, ग्रैनी किसी भी वक्त आ जाएगी, जैसे ही ग्रैनी आएगी भाई उसको मार देना है। चलो वेट करते हैं भाई, इतनी देर से देख रहा हूँ, आई शायद, पता नहीं आ रही है, नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है। अगर अब नहीं आई तो फिर वही करेंगे, नीचे उतर के उसको बुलाएंगे। नहीं नहीं आ गई आ गई आ गई भाई, मैंने मार दिया। शायद इसको देख के ग्रैंडपा भी आए, पर वो ग्रैंडपा तो पागल चला गया वापस, पागल ग्रैंडपा वापस चला गया। अब मेरे को जम मारनी पड़ेगी नीचे। हाँ भाई क्या पागल है क्या, चला गया इधर आ, कहाँ गया वो, चला गया। चलो यार मेरे को ग्रैंडपा को मारना है बस, एंड उसके बाद जो है ना मेरे को लेकर आनी है डक्ट टेप। इससे डक्ट टेप भी किधर हो सकती है, भी सोचना पड़ेगा, पहले तो उसको मारते हैं। एक काम करता हूँ मैं बोट वाले एरिया में चलता हूँ, क्योंकि मैं सारे एरिया चेक कर चुका हूँ, मुझे डक्ट टेप तो कहीं नहीं मिली है, बस एक यही एरिया रह गया, यहाँ पर देख लेते हैं। एंड हाँ यहीं पर ही पड़ी हुई है डक्ट टेप, तो डक्ट टेप को लेकर चलते हैं ऊपर।
ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर 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 डक्ट टेप लगाते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर की लगाते हैं एंड करते हैं अपना स्केप कंप्लीट। ये हेलीकॉप्टर की पड़ी हुई है, चलो अब ऊपर चलते हैं। पहले डक्ट टेप को ड्रॉप करते हैं ऊपर, अब लेकर आते हैं हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर की। चलो हेलीकॉप्टर की उठाते हैं एंड उसको लेके चलते हैं ऊपर, बस ख़त्म काम। अब नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस करेंगे अब हम लोग अपना एस्केप कंप्लीट। पहले तो उठाते हैं डक्ट टेप, ये सले, और डक्ट टेप उठाते हैं, इसको लगा कर आते हैं, फिर उठाते हैं हेलीकॉप्टर की और निकलते हैं ग्रैंड के घर से। तो चलो डक्ट टेप लग गई, अब उठाता हूँ यहाँ से हेलीकॉप्टर की। ये मिल गई हेलीकॉप्टर की एंड अब निकलते हैं यहाँ से। नहीं बैठ क्यों नहीं रहा, अरे गलत जगह बैठ रहा हूँ। चलो बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं हेलीकॉप्टर को एंड निकलते हैं ग्रैनी के घर से। उड़ जा भाई उड़ जा, क्या हो गया, उड़ना शुरू हो गया, उड़ना शुरू हो गया। ये ग्रैनी ग्रैंडपा, गुड बाय, तुम्हारे घर से मैं जा रहा हूँ। फाइनली ग्रैनी के घर से मैंने कर लिया हेलीकॉप्टर स्केप, गेम का हो गया है एंड वीडियो भी हो चुकी है एंड अब तुम लोग एक काम करो, जाके कर दो वीडियो को लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम लोग को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट गेम कौन सा खेलना चाहिए और मैं बोलूँगा तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।